सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज में बेसिकली आपके दो पार्ट्स है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड दोनों मिलाकर के आपका वेटेज ठीक ठाक है। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो चैप्टर स्कोरिंग है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े से फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हम फटाफट से चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। मतलब पूरी सीरीज के अंदर क्या होता है, देर इज अ कॉन्स्टेंट डिफरेंस, या हम कहते हैं देर इज अ कॉमन डिफरेंस। तो जो सीरीज का पहला टर्म होता है उसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं किसके साथ? ए के साथ। ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी को हम कहते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। तो अगर इस हिसाब से हम देखें, अगर सीरीज का पहला टर्म ए है तो सेकेंड टर्म क्या होगा? इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें, ए प्लस डी। तो थर्ड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म के अंदर अगेन एक और डी ऐड कर दो तो इट विल बिकम ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म के अंदर एक डी और प्लस कर दो इट विल बिकम ए प्लस थ्री डी। तो बाय ऑब्जर्विंग हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे नंबर 4 है तो इधर 3 है, इधर 3 है देन इट इज 2। तो इसको देख करके हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं कि nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एक हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया जिससे आप nth टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब यह बताना है आपको, जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल 5, 10, 20, 40, क्या ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या लगता है? नो सर, नो, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कॉमन। पहले डिफरेंस 5 का है, नेक्स्ट डिफरेंस 10, देन नेक्स्ट डिफरेंस 20, तो डिफरेंस इज नॉट कॉमन, सो इट इज नॉट एन एपी। सेकेंड सीरीज हमने लिया 7, 17, 27, 37 एंड सो ऑन, क्या ये सीरीज एपी है? यस सर, यस टेन सर। टेन का देन एपी एडिशन बिकॉज देर इज अ सर। कॉमन डिफरेंस ऑफ 10। तो कॉमन डिफरेंस को आप कैसे निकालते हैं? हम कह सकते हैं T2 माइनस T1, या फिर T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3। सब जगह से आपका डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, देन ओनली इट विल बी एपी। अब आपको सीरीज का एक पर्टिकुलर टर्म कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका हम यूज करेंगे, एंड उससे क्या निकाल लेंगे? nth टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। नाउ इट सेज 4, 10, 16, 22। अब ये बताना है व्हाट इज ए हियर, ए कितना है? 4। यस कॉमन डिफरेंस डी सर, कितना है? सिक्स सिक्स। नाउ सेवेंथ टर्म क्वेश्चन ने बोला है फाइंड करना है T7, तो ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ए में क्या रखेंगे? 4 प्लस 6 इंटू 6, व्हाट विल बी? 40 40। सो T7 इज इक्वल टू 40। फिर इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। 10th टर्म आपको कैलकुलेट करना है प्रोग्रेशन का, सीरीज गिवन है। 23 ए कितना है आपका? -4। -4 3 डी कितना है? 3
अब अप्लाई करो फॉर्मूला एंड बताओ T10 कितना आ रहा है। 23। 23 सो ए आपने लिखा -4 +10 -1 9 एंड डी इज 3। तो योर रिजल्ट इज 23 पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 3 एंड 11th टर्म इज 7। फाइंड आउट द 17th टर्म, उस 17th टर्म कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में बोला थर्ड टर्म टी थ्री ए प्लस 2d, ये दे रखा है आपको कितना 3। 11th टर्म टी इलेवन, टी इलेवन मतलब हो गया ए प्लस 10D एन डी, कितना दिया है 7 दिया है। Evans अब आपको T17 निकालना है, तो उससे पहले ए एन डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें इनको, Yes ए sir कैंसिल हो गया, कितना बचा -8D इज इक्वल टू -4। तो डी कितना आ गया आपके पास, 1/2 वन यस बाय सर 1/2 सर 1/2D आ गया। अब आपको T17 चाहिए, तो ए प्लस 16D, तो ए भी यस पहले सर एन कैलकुलेट कर ले, ए यस सर कैलकुलेट कर लो किसी भी इक्वेशन में पुट करके। सो ए प्लस 2 × 1/2 इज इक्वल टू 3, तो फोर थ्री कितना आ गया, 2 आ गया। सो टू T17 सर 2 + 16D, योर रिजल्ट इज 10, ऑप्शन नंबर ए। ओके यस क्वेश्चन नंबर 4। mth टर्म ऑफ एपी इज एन, तो ये टीएम लिख सकते हैं, टीएम कितना है एन, एंड nth टर्म ऑफ एपी इज एम, ये भी लिख दिया। देन फाइंड आउट द आरथ टर्म, टी आर कैलकुलेट करना है। ट्राई करके देखो, टी सर कैसी क्या स्क्रीन ब्लैक हो गया, स्क्रीन आ रही नहीं, आ नहीं रही सर। क्या आ रही है भाई, आ रही है सर, आ रही। हाँ आ गई सर, आ गई। कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क में सर, मेरा मेरे को स्क्रीन दिख नहीं रही थी सर। स्क्रीन नहीं दिख रही, आ गई सर, आ गई, अब आ गई। अब आ गई। ओके, तो टी एम इक्वल टू एन दिया है, टी एन इक्वल टू एम दे दिया, एंड फाइंड करना है आपको टी आर। तो कैसे कर सकते हो उसको, कोई तरीका, आराम से सोचो, पहले इक्वेशन पहले बना वाले के कितना ही देखो हो जाएगा, पहले क्या। वाले कितना से पहले हाँ, जैसे सर 3 नंबर हुआ। तो टी एम इज इक्वल टू क्या करोगे, ए प्लस एम -1 × डी, ये आपका फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो, तो यहां अप्लाई करते हो तो ए प्लस एन -1 × डी होता है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है।
ट्राई हुआ? तो पहले क्या करोगे, एडलेस करके देखो। जब आप एडलेस करोगे तो यहाँ पे माइनस 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 तो क्या बनेगा, इधर एन माइनस एम इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा? एम माइनस वन या इन टू डी, या फिर आप ऐसा कर दो एम डी माइनस डी इधर माइनस एन माइनस प्लस एन डी एन डी, डी से डी डी प्लस आपका डी कैंसिल हो गया। सो एन माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस एन एंड डी आपका कॉमन हो गया। सो कॉमन डिफरेंस विल बी एन माइनस माइनस वन एम अपॉन एम माइनस एन। अब अगर इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वन माइनस वन। तो कॉमन डिफरेंस आपका आ चुका है कितना, माइनस वन। अब क्या निकालना है आपको, ए ए निकालना है। ए कैसे निकालोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे। सर डी की जगह माइनस वन पुट कर दें। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू माइनस वन, ये आपने पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूं, तो ए माइनस एम प्लस वन, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन प्लस एम एंड माइनस वन, ये आपका ए आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, टर्म नंबर आर, टी आर चाहिए। तो ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, तो फर्स्ट टर्म क्या है, एन प्लस एम माइनस आर माइनस वन, एंड प्लस क्या करना है आपको, आर माइनस वन इंटू डी, डी इनटू कितना है। माइनस वन अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कितना, एन प्लस एम प्लस वन ये वाला आर आपका नेगेटिव आएगा, तो एन प्लस एम माइनस आर, माइनस आर। दिस इज योर आर एथ टर्म। मेरे डाउट सर, क्या कह रहे हो? सर इसमें जो हमें आंसर, एक डाउट था सर इसमें, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो सर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एट द एंड हमें क्या कहते हैं सर उसको, इसको सर मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, जो आंसर होगा यही हमें दिखाना है कि ये आंसर आ रहा है ना सर, तो हम एग्जैक्ट डायरेक्ट अगर एन एन प्लस एम माइनस आर टिक कर देंगे तो सही आंसर हो जाएगा। हाँ, ये तो ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। ये एक तरह से आप समझ सकते हो इसकी प्रॉपर्टी या ये सिचुएशन। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जब ये काम आता है। जैसे अगर कभी क्वेश्चन बोलता है आपको, इफ फिफ्थ टर्म इज 10 एंड 10th टर्म इज 5, देन फाइंड आउट 20th टर्म। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर आप क्या करोगे, जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिखा है, जो आंसर आया है, इसी को अप्लाई करोगे। तो अभी क्या आया था, एम प्लस एन माइनस आर, तो ये आपका एम है, ये एन है और ये आर है। तो 5 प्लस 10 माइनस 20, योर आंसर विल बी माइनस 5। ओके सर समझ अब गए। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर थैंक यू सर। ओके, ये प्रॉपर्टी लग गई। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ट्राई करके देखो। पीएथ टर्म इज क्यू एंड क्यूएथ टर्म इज पी, देन फाइंड द पी प्लस क्यूएथ टर्म। जीरो
जीरो, क्या बात है। यस सर, जीरो। तो पी एंड क्यू ऐड हो गए, फिर माइनस आपने किया पी प्लस क्यू, अल्टीमेटली रिजल्ट इज जीरो। सिक्स, एक्स प्लस वन, 3x एंड 4x+2 आर इन एपी, ये तीनों एपी के अंदर है। देन फाइंड आउट द सिक्स्थ टर्म। अब यहाँ पे एक ट्रिक आपको लगानी है, कैसे लगाओगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे। ये तीन टर्म्स एपी में है और सिक्स टर्म आपको पता लगाना है। देन कोई आइडिया? जब भी क्वेश्चन बोलता है ये एपी के अंदर है, मतलब डिफरेंस शुड बी कॉमन, तो इसका मतलब हम क्या यस, बोलेंगे, टी टू माइनस टी थ्री वन एक्स माइनस इज इक्वल टी टू वाई टी थ्री माइनस टी टू। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ट्राई करके देख लो, 3x - x+1 इक्वल टू 4x+2 - 3x, तो कितना रिजल्ट बना आपका, 11x। -1 = x+2। सो फाइनल रिजल्ट विल बी x = 3, x = 3। अब क्या निकालना है आपको, सिक्स टर्म निकालना है, t6 निकालना है। तो t6 कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट फर्स्ट टर्म टर्म इज क्या फोर रहेगा आपका, सर, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। फोर, यस, फर्स्ट टर्म इज एक्स फोर, प्लस वन ट्वेंटी तो 3+1 इट विल बिकम 4, फिर 3 * 3 नाइन इज एंड 9 प्लस एंड फिर आ गया आपका 14। तो ए इज 4 एंड ट्वेंटी कॉमन नाइन डिफरेंस इज 5, फाइव तो ट्वेंटी a+5d। ए है आपका 4, नाइन ट्वेंटी डी है आपका 5, रिजल्ट इज नाइन 29, ऑप्शन ठीक नंबर डी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमने सिंपली अप्लाई किया कि आपका टीएन वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। अब आता है पैटर्न कि फॉर्मूला तो वही है, लेकिन इस बार अपन को क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है इन द सीरीज, कि सीरीज में कितने टर्म्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 124, तो 124 कौन सा टर्म है ये बताना है। तो हर बार अपन टीएन निकालते ठीक हैं, इस बार टीएन क्वेश्चन ने दे रखा है, तो 124 इज टीएन। 23 ए हो रख दे रखा है आपको 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5,25 ट्वेंटी 25 फाइव 25 यस। तो सिंपली आपने फॉर्मूले पुट किया, रिजल्ट आ गया 25, कोई खास मेहनत नहीं है इसमें। फिर 7 के बाद 8 और 9 बिल्कुल इसके जैसा है, हो जाएगा आपका 10th। आसान क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म, लेकिन कहां से, फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज, एंड ऑफ द सीरीज सर, वन कौन सा, कितना, ट्वेंटी 5th टर्म। पहले हम उसका एक टर्म निकाल लॉजिक लगाओ, छोटा सा आंसर आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है सर, लास्ट टर्म तो फाइव, गिवन है ना। है ना। लास्ट टर्म आपको पता है, तो देखो आपका कॉमन डिफरेंस 5 है। लास्ट टर्म मतलब लास्ट से फर्स्ट टर्म कौन सा है, 100, फिर सेकंड हंड्रेड लास्ट टर्म कौन सा हुआ, 95, फिर नाइन्टी फाइव थर्ड सर एट्टी फिर होगा सर 90, फिर 83 85 एट्टी एंड लास्ट 80, एट्टी ऑप्शन ए एट्टी बस। अब आता है आपका सम का फॉर्मूला। अगर आपको सीरीज को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए SN = क्या होता है, N/2 * 2A +
एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है टू एड। तो एन के अंदर आपको रखना है कितने नंबर्स का आपको एडिशन चाहिए, टोटल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 सेज फाइंड द सम अप टू 15 टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो एन की प्लेस पर रख दिया 15/2 हो गया। टू ए फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस 15-1 डी, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, सिक्स सेवन आप सॉल्व कर लो। 705 705, सो यहाँ पे आपने लिखा 10+14 × 6, ये होता है 84। इनको आपने कैंसिल किया तो कितना है 47, एंड 47 × 15 = 705 85। यस, तो इसी पैटर्न से आपका 12 एंड 13 हो जाएगा 14। 14 अभी करना है आपको बताना है। फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म इज 11 एंड 17। फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन है, T5 दिया है 11, एंड उसके बाद आपको दिया है T9 17। अब आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो T5 के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 4D, T9 के लिए ए प्लस 8D, नाउ सब्ट्रैक्शन, क्या बचेगा आपके पास, -6 इक्वल टू -4D। तो D इक्वल टू 6/4 मतलब 3/2, डी 3/2 आ गया। तो ए कितना आएगा पुट करके देखो, ए के लिए 11 -4D, 385 ए आ गया आपका कितना 5। अब निकालना है आपको सम ऑफ 20 टर्म्स, S20। तो 20/2 × 2A + 20-1 19 इंटू डी हो गया आपका 3/2। 385 385 यस सर 385 15 ट्राई करना है आपको। ये सब इसी पैटर्न से, जो ऊपर अपने ट्रिक वगैरह यूज की है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इनमें, ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो भी आपका बार होना चाहिए। 18, 18 तभी करते हैं। द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज 52, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन कैलकुलेट करना है आपको। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एस एन की जगह पे कितना लिखेंगे, 52 इज इक्वल टू n/2 × 2 of A, ए में लिखेंगे -8 प्लस n-1 डी, डी में कितना लिखेंगे, डी कितना लिखें, तो टू। कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, 2 को हमने कैंसिल कर लिया।
तो क्या बचा आपके पास, 52 इज इक्वल टू एन, यहाँ पे रहेगा आपके पास एन माइनस 9, सो इक्वेशन विल बी एन स्क्वेर माइनस 9n माइनस 52। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एन स्क्वेर माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52, एन विल बी कॉमन, यहाँ पे 4 कॉमन है, तो एक बार एन आएगा 13, दूसरा आएगा एन इक्वल टू माइनस 4, बट माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, सो देयरफॉर आंसर विल यस बी 13। ओके, अब 19 ट्राई करना है, अभी ट्राई करोगे अपना, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व करके आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। फाइव फाइव एक आंसर आ चुका है, 5, फाइव 5 सर 5। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी। अब ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, 20 के लिए स्पेस बना लेते हैं पहले। सो इन एपी T7 रेशियो T10 इज इक्वल टू 5:7, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन T8 एंड T11। तो रेशियो आपको दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, T7 अपॉन T10 इज इक्वल टू 5:7। T7 कितना होता है, ए प्लस 6D, एंड T10 होता है ए प्लस 9D, तो 90 इससे क्या बन जाएगी आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 5A प्लस 45D इक्वल टू 7A प्लस 42D, तो इससे क्या निकलेगा आपका, 2A इज इक्वल टू 3D, या फिर आप ऐसा कह सकते हो ए इज इक्वल टू 1.5D। ठीक है, ये आ चुका है। अभी आपको क्या चाहिए, रेशियो बिटवीन T8 एंड T11 चाहिए। T8 कितना होता है, ए प्लस 7D, एंड T11 कितना होता है, ए प्लस 10D। तो सिंपली क्या करेंगे, एक ही प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, 1.5। सर 17:23 यस, अब इसको कैंसिल कर दो, डी से डी कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दो, 17:23 तो 17:23, तो 17:23, दिस इज योर आंसर। एपी इजी है अभी तक तो। अभी आईसीए वाले लेक्चर्स देख रहे हो आप लोग?
नहीं सर, अभी टाइम नहीं मिल रहा है अभी ओके सर, मतलब बाकी बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, अकाउंट्स को छोड़ के सर। अच्छा ओके तो बाकी उसके अंदर लाइव सेशन के अंदर अब तो सर डाउट सेशन होते हैं मेनली या समरी सेशन होते हैं, बाकी यस सर, सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखनी होती है, वैसा चल रहा है अभी। बट बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि रेगुलर क्लासेस वहाँ नहीं हो रही है, आप क्यों नहीं ले रहे हो वो ही यस बेटर था, क्या? वो ही रेगुलर क्लासेस ही बेटर था। क्योंकि अब वहां वापस दिक्कत वही हो रही है कि जो दूसरे टीचर्स हैं वो भी ले रहे हैं क्लासेस, वो ले रहे हैं और उन्होंने पहले मेरे रिकॉर्डिंग देखे हुए हैं, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। सर सर, हाँ एपी चैप्टर्स खत्म होने के बाद आप कौन सा चैप्टर करेंगे? सर जो आप बोलो वो ले लेते हैं। आप सर, कौन इक्वेशन या सा चैप्टर कौन सा करवा दीजिए सर? कौन सा चैप्टर करते हैं सर? इक्वेशंस इक्वेशन सर, इक्वेशन सर, वेरी इजी, ये बाद में सर लगेगी। डिफरेंशियल का इक्वेशन दो कैलकुलस सर नंबर का वो है लाइक सर, कोई एक मतलब मार्क का नहीं आ है जाए सर, सर। उसमें वो देखो बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन दो कैलकुलस नंबर का में है, तात्पर्य बस। यही है कि उसका वेटेज तो है आपका बहुत कम है ना, और उसमें मेहनत है बहुत ज्यादा और वेटेज बहुत कम है, इसलिए हम अक्सर वो सबसे लास्ट में रखा करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ताकि जिसकी इच्छा हो वो ही उसमें उतना दिमाग लगाए, जिसकी इच्छा नहीं है जिसको नहीं लगाना है तो वो दिमाग ना भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर, वो डिफरेंशियल इजी कैलकुलस है की सर। वजह से मतलब कई बार क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री कई बार क्या कहती है वो बता रहा हूँ आपको, बहुत से लोगों ने क्या किया है डिफरेंशियल कैलकुलस, उनको लगा हमने कभी किया हुआ नहीं है या फिर हम इसको एक बार पहले कर लेते हैं बाद में दूसरा करेंगे, तो वो करने के चक्कर में जो आसान टॉपिक है वो स्किप हो जाते हैं या उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, वो छूट जाते हैं। तो इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस का आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है, पहले बाकी सारे टॉपिक्स हो जाए, सबसे लास्ट में उसको रखोगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर वैरायटी बहुत सारी है, फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, लेकिन उसका एग्जाम में वेटेज बहुत कम है। तो एक दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में से, तो इसीलिए उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, क्योंकि एज अ कॉमन स्टूडेंट स्किप प्रैक्टिकली वो हमारे काम कर का बहुत कम है, वो साइंस में ज्यादा काम में आता है और इसीलिए यहाँ पे उसका वेटेज नेग्लिजिबल है। ठीक है ठीक है सर। सर, ठीक इक्वेशन या फिर रेशियो प्रोपोर्शन या चेक हो सकते है, हैं। कोई हो सकते दिक्कत नहीं है, कोई अब वही बचे मेनली आपके रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम इक्वेशंस, तो ये सब क्या है आपके टॉपिकल स्मॉल टॉपिक्स है, क्या कह रहे हो? सर, लॉजिकल रीजनिंग आप कराएंगे या फिर वीडियो थोड़ा करेंगे? लॉगरिथम लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग, सर, लॉजिकल रीजनिंग। हाँ लॉजिकल रीजनिंग में का मैं एक काम करूंगा, पहले आपको वीडियो शेयर कर दूंगा तो आप उससे एक बार कवर करना, फिर उसके बाद उसमें कोई जहां जहां आपको चैलेंज लगे वो मुझे बताना, तो फिर अपन उसको वैसे कर लेंगे डिस्कस, वो अच्छा रहेगा। सर लिमिट्स एंड लिमिट्स का चैप्टर लिमिट्स का बार लिमिट्स का चैप्टर ऐड हुआ है ना? लिमिट्स तो वो छोटा सा एक पॉइंट है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ ओ अच्छा, मेन तो आपका सैम्पलिंग छोटा सा जुड़ा था आपके उस चैप्टर के अंदर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डेटा में, बाकी कोई चेंजेस नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा नहीं क्या आपका, टाइम सीरीज उसको हटा दिया गया था, तो रिमूवल हुआ है हाँ मेनली आपका टाइम सीरीज चैप्टर का, सर, सैम्पलिंग तो सिर्फ थ्योरी है ना सर, उसमें बस तो वो एप्लीकेशन थोड़ी नहीं वाला है। पोर्शन ही ऐड किया है, वो भी छोटा सा। हाँ सर, ठीक है सर। ओके चलो, एस एल एन का आपका एक और फॉर्मूला है, सम का एक और फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज आल्सो गिवन, आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता लेकिन लास्ट टर्म जरूर पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, सीरीज का सम कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टर्म पता है 2 है, लास्ट टर्म 182 है, तो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें एक जगह आप कहाँ फंसोगे, क्वेश्चन ने एन नहीं दिया है तो पहले आपको एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो
तो क्वेश्चन नंबर 21 में पहले फटाफट एन कैलकुलेट करके बता दो कितना आने वाला है एन। तो टी एन इज 182, फिर ए प्लस, तो 2 प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। डी कितना है आपका? 61 एन 61 आ रहा है। यस सर। ओके एन 61 ले लेते हैं। अब आपको चाहिए एस 61 बेसिकली। तो 612 आ गया आंसर 61 बाय 2 इनटू 2 प्लस 182। क्या आंसर बताया? 6712 5612 5612 तो सम ऑफ 61 टर्म्स इज 5612 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है तो ये हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं आज, प्रैक्टिस करना। कहां तक ट्राई करोगे? ये ट्राई करना 27 तक, 27 तक ट्राई कर लेना। फिर उसके बाद में अर्थमेटिक मीन वाले से कुछ क्वेश्चंस है जो हम इसमें इंसर्ट करेंगे, वो मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो भी आपके नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएंगे। तो अप टू 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है तो अभी आपके आज 50% हो गया, बाकी 50% कल आपका ये फिनिश हो जाएगा। कल मॉर्निंग इसके नोट्स मैंने आपको शेयर नहीं किए, तो ये मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ उसके नोट्स। ठीक है ओके सर। कल मॉर्निंग में रहेगा या इवनिंग में? कल मॉर्निंग में एक सेशन रहेगा मैथ्स का, इवनिंग में दोनों रहेंगे।